अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। लेंथ ली है 20 इंच, शोल्डर विथ 5 और 5.5 लेंथ। अब इसकी हम गुलाई कर देंगे। चेस्ट 6.5, वेस्ट की लेंथ 10.5, वेस्ट की विड्थ 6.5। अब हम इसको मिला देंगे निशान से, कटिंग करेंगे। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। फिटिंग की कटिंग कर लें। शोल्डर की शेप देंगे, फ्रंट की भी शेप देनी है 1/2 इंच। अब कलियों की कटिंग करेंगे। 2 कलियां इस फ्रॉक में जो लगाएंगे हम, उसकी कटिंग करेंगे। अब कलियों की ऊपर से 3.5 विद लेंगे और नीचे से 4.5, तो इस तरीके से कलियों की कटिंग करने के कर लेंगे। कटिंग कर लेंगे फिर कलियों को इस तरीके से अटैच करना है। सिलाई कर ली है। अब इस पर प्लेट्स देनी है, बॉक्स प्लेट। इस तरह से बॉक्स प्लेट दे देंगे इस पर। बॉक्स प्लेट देने के बाद नेक की कटिंग करेंगे। नेक विद 2.5 और डेप्थ 3 कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की कटिंग 2.5 लेंगे और स्लाइड ओपन कर देंगे। स्लाइड की इस तरह से इसको सिलाई कर लेंगे। ये इसके शोल्डर स्टिच कर लेंगे, फिर स्लीव्स लगाएंगे। इस तरह से स्लीव्स लगेंगे इस पर। फिर इस पर फ्रिल सिल्वर की फ्रिल लगा देंगे। फिटिंग कर लेंगे फ्रॉक की। फिटिंग के निशान अच्छा से फिटिंग करने के बाद ये वो तैयार की थी मैंने। अब वो इस पर सुई धागे की मदद से सिली देंगे। इस तरह से इस फ्रॉक का लुक आया है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।